हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में यूनिट फोर को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट फोर में हम लोग पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। पावर ट्रांसमिशन में आपको ऑलरेडी बेल ड्राइव के बारे पढ़ा चुका था, फिर हम लोग गियर स्टार्ट किए थे जिसमें गियर का क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक स्पर गियर ले लेंगे और उस स्पर गियर का कौन कौन सा टर्म उसमें आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो सेशन रहेगा उसमें रहेगा स्पर गियर टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म यूज्ड इन द गियर, मतलब गियर में कौन कौन सा टर्म आता है जो उसके पूरे स्पेसिफिकेशन को बताता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसको आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। ये आपके सेमेस्टर में तो यूज होगा ही होगा, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे गियर का, तो इसलिए बड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये पूरा जो टॉपिक है ये आपको सिक्स सेमेस्टर में भी मशीन डिजाइन में काम आएगा, साथ ही साथ कंपटीशन में भी काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या किए, एक स्पर गियर का छोटा सा फिगर बनाए। ये क्या है, तो आपके पास एक गियर है, मान लीजिए ऐसा एक गियर था, ठीक है। तो ये अगर इसका जो टिथ है इसके सर्कमफेरेंस पर पैरेलल बनेगा इसके, तो ये जो एक्सिस है इसका साफ, ये जो गियर का एक्सिस है उसके अगर पैरेलल रहेगा टिथ, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर गियर। तो क्लियर हो गया कि अगर किसी गियर के सरफेस पर जो टिथ बना है वह एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहेंगे। तो यहां पर हो गया स्पर गियर टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड स्पर गियर में कौन कौन सा टर्म आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसका एक छोटा सा पार्ट यहां पर ऐसे करके काट के निकाल दिया। ये देख, अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा और उस पर पूरा टिथ आपको दिखेगा, क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या किए, पूरे जो गियर था उस सेक्शन में से एक छोटा सा पार्ट कटाए, ये उसके सर्कमफेरेंस पर टिथ बना हुआ है, क्लियर है। अब इस पूरे सर्कल में कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि जब हम लोग गियर बनाते हैं तो गियर में तीन सर्कल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, एक गियर का साइज बड़ा है, एक दूसरे गियर का साइज छोटा है। कभी भी गियर का साइज छोटा बड़ा इसलिए रखा जाता है कि स्पीड का वेरिएशन कराए। अगर दोनों गियर सेम साइज का होगा तो जितना ये मोशन ये पावर ट्रांसमिट करेगा दूसरे साइड में भी वही स्पीड वही पावर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए अलग अलग डायमेंशन का गियर यूज करते हैं, ठीक है। तो गियर में तीन सर्कल यूज होता है। सबसे पहला, जहां से गियर कटित बनना स्टार्ट होता है ऐसे सर्कल को डिडेंडम सर्कल कहते हैं। डी फॉर डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई। तो याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डी फॉर डिडेंडम इसका मतलब डेप्थ में जो सर्कल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिडेंडम सर्कल कहेंगे। तो डिडेंडम सर्कल क्या हो गया कि एक ऐसा गियर पर एक ऐसा सर्कल जिस सर्कल के पॉइंट से टिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एक आउटर सेक्शन होता है एकदम बाहर पर होता है, ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, एडेंडम सर्कल कहते हैं। क्लियर हो रहा है, एडेंडम सर्कल कहते हैं। अच्छा, ये याद रखना है, डिडेंडम सर्कल से थोड़ा सा यहां पर बीच में स्पेस दिया जाता है जिसको हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। और जहां दो गियर एक दूसरे से मेस करता है, मिलता है, ऐसे को वहां से एक इमेजिनरी सर्कल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे इमेजिनरी सर्कल को पिच सर्कल कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, पिच सर्कल आप गियर में नहीं दिखा सकते हैं, ये एक इमेजिनरी सर्कल है। ये जैसे जैसे मोशन करता है वहां से एक इमेजिनरी सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो आप अगर गियर बनाते हैं तो यहां पर डिडेंडम सर्कल है, ये एडेंडम सर्कल है, और कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग बीच में जो है वह पिच सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपको पिच सर्कल, पिच सर्कल किसको कहते हैं, तो देखेंगे कि गियर का एक टिथ, जैसे मान लीजिए ये आपका गियर का टिथ है और दूसरे गियर का टिथ इस तरह से ये, तो एक गियर का टिथ
दूसरे गियर के टिप के साथ जहां पर टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट कहते हैं, और गियर दोनों गियर के सर्कल दोनों गियर के सेंटर से एक इमेजिनरी सर्कल यहां से खींच देते हैं। ये देखिए ऐसे करके खींच दिए, तो ऐसे सर्कल को हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। तो क्या कह रहा है, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल इन द गियर वेयर प्योर रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व। मतलब पिच सर्कल ही एक ऐसा सर्कल है जो पूरे गियर का स्पेसिफिकेशन बताता है। इसका मतलब आप देखिए यहां लिखा है कि साइज ऑफ गियर इज स्पेसिफाइड द डायमीटर ऑफ ए पिच सर्कल। मतलब किसी भी गियर का जो साइज है उसके पिच सर्कल पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको गियर भी खरीदना है तो आप पिच सर्कल डायमीटर के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है। उसी में एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल रहता है। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है पिच सर्कल, तो इट इज एन इमेजिनरी सर्कल इन द गियर वेयर प्योर रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व व्हेन मेटिंग गियर आर ट्रांसमिटिंग पावर। जब दो गियर एक दूसरे के साथ पावर का ट्रांसमिशन करता है तो जहां पर दोनों मेस करता है उस पॉइंट से होते हुए एक सर्कल बनता है, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड पिच सर्कल। कहता है गियर का जो साइज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि साइज ऑफ गियर इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गियर है, और छोटा गियर को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं पिनियन, ठीक है। तो इस गियर में आपको तीन सर्कल दिख रहा है, बाहर एवब A4 एडेंडम A4 एवब। अगर एडेंडम सर्कल है तो एवब रहेगा, तो यहां पर सर्कल का जो टॉप सरफेस होता है उसको वहां से अगर सर्कल ड्रॉ होता है तो उसको एडेंडम कहते हैं। फिर जहां से दांत बनना स्टार्ट होता है उसको हम लोग डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल कहते हैं, और बीच में यहां पर आप देखेंगे पिच सर्कल है दोनों का। देखिए एक ब्लैक कलर एक ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएंगे पिच सर्कल डायमीटर। तो क्लियर हो गया कि जो पिच सर्कल बना दोनों गियर में पिच सर्कल, तो पिच सर्कल का जो डायमीटर होगा, ये देखिए पिच सर्कल का, चाहे गियर का हो या पिनियन का हो, तो पिच सर्कल के डायमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। इट इज द डायमीटर सर्कल। नेक्स्ट है पिच पॉइंट। तो क्या कह रहा है, जब दो गियर एक दूसरे से टच करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गियर फर्स्ट है वन और ये एक दूसरा गियर, तो जहां पर दो गियर एक दूसरे से टच करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज ए पॉइंट वेयर द टू पिच सर्कल, ये पिच सर्कल है पिनियन का, ये पिच सर्कल है गियर का, तो जहां पर दो पिच सर्कल एक दूसरे से टच करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट, ठीक है। तो इट इज द पॉइंट वेयर द टू पिच सर्कल ऑफ ए मेटिंग गियर चेज इच, एकदम हो रहा है। अब पूरा याद रखेंगे पिच सर्कल पर ही सारा काम होता है, ना तो रूट पर काम होगा ना तो एडेंडम पर काम होगा, जो भी काम होगा आपका सर्कल पर होगा। चल नेक्स्ट आ जाएंगे डिडेंडम सर्कल। हाँ अब इसमें कुछ कुछ वर्ड आप पकड़ लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगा, अदरवाइज बहुत सारा यहाँ सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिडेंडम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं कि डिडेंडम सर्कल किसको कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है, इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द बॉटम ऑफ द टिप, इट इज आल्सो नोन एज रूट सर्कल। क्या कह रहा है कि अगर आप कोई गियर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, एक सॉलिड सेक्शन है सर्कुलर शेप का, तो इसके यहां से अगर आप पिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे पिट बना दिए, ये तो जिस सर्कल से होते हुए दांत बनना स्टार्ट होता है, ये जो टिप बन रहा है, ये इसी सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, डिडेंडम सर्कल कहेंगे। तो देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज द सर्कल जहां से हम ड्रॉ करते हैं क्या, बॉटम ऑफ द टिप, मतलब जो टिप है जो दांत है गियर पर जहां से बनना स्टार्ट होता है, जहां से उसका रूट होता है, दैट इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। तो इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द बॉटम ऑफ द टिप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट सर्कल। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं डिडेंडम, देखिए डिडेंडम सर्कल के बाद क्या होगा डिडेंडम। तो डिडेंडम क्या, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टिप फ्रॉम द डिडेंडम सर्कल टू द पिच सर्कल। तो सुनेंगे फिगर में आपको समझाने का कोशिश करते हैं।
ये देखिए, ये यहां से दांत बनना स्टार्ट कर रहा है, ये आपका डिडंडम सर्कल हो गया, ये जो ब्लू कलर का सेक्शन आपको दिखा रहा हूं ये पिच सर्कल हो गया। तो डिडंडम सर्कल से पिच सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिडंडम कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहां से भी आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट को हम यहां पर देखिए डार्क कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड डिडंडम। मतलब कि डिडंडम सर्कल से ये जो पिच सर्कल है ब्लू कलर वाला, इसका जो रेडियल डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिडंडम कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखिए साफ साफ दिखा है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द डिडंडम सर्कल टू द पिच सर्कल, और इसका जो वैल्यू होता है डिडंडम इज इक्वल टू 1.15 m। m को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल का मतलब होता है कि अगर गियर का डायमेट्रल पिच ले ले, गियर का हम लोग पिच सर्कल ले ले, जैसे मान लीजिए ये एक गियर है और ये गियर का ये पिच सर्कल है, ठीक। तो इसके पिच सर्कल के जो डायमीटर है उसको हम लोग कैपिटल डी कहे, अगर पिनियन होता तो स्मॉल डी कहते, और इसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है उसको हम लोग कैपिटल टी कहेंगे। तो मॉड्यूल क्या होता है, किसी भी गियर का पिच सर्कल का जो डायमीटर है उसको अगर नंबर ऑफ टीथ से भागा दे दें तो जो टर्म हमको बन के निकलेगा उसको क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे। तो याद रखना है डिडंडम का जो वैल्यू होता है वह 1.157 ऑफ मॉड्यूल होता है। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है एडंडम सर्कल। एडंडम का मतलब ए आया है तो ए फॉर अबव, ऊपर। तो क्या कह रहा है, सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ एंड कंसेंट्रिक पिच सर्कल। इसका मतलब जैसे यहां पर आप देखिए, फिर से एक बार फिगर आप देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, आप पहले एक सर्कल ले लीजिए और यहां से इसके ऊपर एक टूथ बना दीजिए, एक दांत बना दिया, इस तरह बहुत सारा दांत होगा। अब क्या करें, इसके टॉप सरफेस सेंटर इसी को मानना है, यहां पर आप अपना कंपास रख लीजिए और यहां से एक सर्कल को इस पर ड्रॉन कर दीजिए। तो ये जो सर्कल होगा दैट सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, एडंडम सर्कल। तो सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ, ये देखिए ये इसका टॉप है, टीथ के टॉप पर चले जाइए और पिच सर्कल का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, एडंडम सर्कल। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एडंडम के बारे में, फिर क्या करेंगे, मॉड्यूल के बारे में, फिर क्या करेंगे, डायमेट्रिकल पिच के बारे में, फिर सर्कुलर पिच के बारे में, क्लियरेंस के बारे में, फेस के बारे में, फ्लैंक के बारे में, लैंड के बारे में। तो चलिए हम लोग अब इसको हटा के उसको बताते हैं। अब क्या बता रहा था कि हम लोग अभी जो है एडंडम सर्कल के बारे में पढ़ाई कर लिए कि यहां से जो गियर का जो टॉप सरफेस होता है वहां से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, एडंडम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडंडम किसको कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द एडंडम सर्कल। ध्यान देंगे, ये पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल है जहां दो दांत एक दूसरे से मैच कर रहा है गियर का, और जो टॉप सर्फेस से सर्कल ड्रॉ हुआ उसको एडंडम सर्कल कहते हैं। तो ये पोर्सन That is the radial distance from the pitch circle to the addendum circle is called addendum. Clear हो गया? Is called addendum. अब हम लोग क्या आ जाते हैं, module पर आ जाते हैं, जो बहुत ही important है for objective question के लिए साथ साथ competition के लिए। तो क्या कह रहा है? It is the issue of pitch circle diameter to the number of teeth. क्या कह रहा है? मान लीजिए ये gear है और ये gear का pitch circle है। तो इस गियर का पिच सर्कल के डायमीटर को हम मान लेते हैं कैपिटल डी है। अगर गियर लीजिएगा तो उसको हम लोग कैपिटल डी कहेंगे, और अगर कोई छोटा गियर होगा तो उसको हम लोग पिनियन कहेंगे और उसके डायमीटर को स्मॉल डी कहेंगे। क्लियर एकदम है? अब इस पर आप काउंट कर लो कि कितना नंबर ऑफ टीथ है, उसको हम लोग कैपिटल टी, इसके लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। तो क्या कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर आप ले लो और उसको नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर दोगे तो जो टर्म बन के निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है? तो गियर के लिए यहां कैपिटल टी बाई टी होगा, अगर पिनियन रहता है स्मॉल डी बाई
स्मॉल टी, और वैल्यू क्या होता है, दोनों का सेम आता है। क्लियर है? अच्छा, यहां आप लिख सकते हैं डायमीटर इज टू टाइम ऑफ रेडियस, तो आप इस तरह से भी चेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर एकदम हो रहा है? नेक्स्ट आ जाते हैं डायमीटरल पिच। ठीक है, डायमीटरल पिच को हम लोग पीडी कहेंगे, जस्ट इसका उल्टा होता है, किसका, मॉड्यूल का। तो इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। इसका मतलब पिच सर्कल डायमीटर में कितना नंबर ऑफ टीथ आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटरल पिच कहेंगे। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। इसका मतलब पिच सर्कल डायमीटर में कितना नंबर ऑफ टीथ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायमेट्रिकल पिच, और ये जो है ये मॉड्यूल का रेसिप्रोकल है। और अगर आप पिच सर्कल डायमीटर, दैट इज कॉल्ड डायमेट्रिकल पिच को मॉड्यूल के साथ गुना करेंगे, तो देखो तो ये कट जाएगा और यहां इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है सर्कुलर पिच, जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां फिगर पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक दांत ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है। तो कोई दांत का एक सेंटर आप ले लो और फिर नेक्स्ट दांत का सेंटर आप ले लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कुलर पिच कह रहे हैं। तो ये सर्कुलर पिच होता क्या है, तो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस पर दो कंसेक्यूटिव दांत के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच कहते हैं। और मैथमेटिकली इसका जो वैल्यू होता है वह होता है पाई डी, पूरे सर्कमफेरेंस आप निकाल लो पाई डी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ कर दो, तो दो दांतों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव टीथ के बीच के जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कुलर पिच कह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पाई डी बाई टी। अच्छा, डी बाई टी को हम मॉड्यूल कह रहे थे, इट कैन बी रिटन एज कितना लिख सकते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल। और आप क्या करेंगे, पीसी को, सर्कुलर पिच को और डायमीटर पिच को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है खाली जगह। तो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, देखो यहां पर आप फिगर जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग डिडंडम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो डिडंडम का जो वैल्यूज हो रहा है, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, मतलब जहां से डिडंडम सर्कल है और ये पिच सर्कल का डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिडंडम कह रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, यहां से पिच सर्कल से ये एडंडम का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये एडंडम कह रहे हैं। तो क्लियरेंस क्या होता है, तो डिडंडम को अगर एडंडम से हम डिवाइड, सॉरी डिफरेंसेस निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो डिफरेंसेस हमको बन के निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लियरेंस। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये पिच सर्कल है, तो यहां से यहां तक डिडंडम है, सॉरी ये डिडंडम है और ये एडंडम है, तो इसका जो डिफरेंसेस आएगा वही हमको क्या बताएगा, क्लियरेंस बता देगा। नेक्स्ट है वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ का मतलब होता है कि ये देखो, ये वाला पार्ट आपका क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस से एडंडम सर्कल का जो रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एडंडम सर्कल टू द क्लियर इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ। आप भी देखो, आपको फिगर में भी दिख रहा है वर्किंग डेप्थ ये वाला एरो, ये देखिए एडंडम सर्कल और क्लियरेंस का ये जो भाग है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, वर्किंग डेप्थ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कुछ टर्म है, इसको याद रखना है। टॉप लैंड का मतलब होता है कि टीथ का ये जो टॉप सरफेस होता है इसको हम लोग टॉप लैंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देंगे, जहां पर पिच सर्कल है यहां से ये जो गियर है, इसका जो टूथ है, इसको क्या किया, दो भाग में बांटे हैं। तो ये वाले भाग को, जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग फेस कहते हैं और इसका नीचे वाला भाग को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। और देखिएगा यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये जो टिथ है वह थोड़ा सा आपका जो कर्व किया रहता है, ठीक है, जो जैम से बचाता है हमको, नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे रहेगा तो वहां कटिंग होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो है गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे या आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गियर के
और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि गियर में जो है गियर ट्रेन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गियर ट्रेन होता क्या है। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के इसको फिर से अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अच्छे से नोट्स कर लेंगे और सारे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।